Hello, my dear friends. I am Kumar Supraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. My dear friends, number series, वो भी wrong number series, आज हम सब इस पे बात करने वाले हैं और आप पूरी एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे. ये प्रॉमिस करना आप सबको और आप सबको SBI क्लर्क निकालना है. तो चलिए आज जो हम सब कुछ wrong number series पे बात करने वाले हैं उसके questions की तरफ मूव करते हैं. आपका questions ये है. पहला सीरीज आपका दिया गया है 1866, 460, 2758, 13785 और 55146. इसमें आपको चूज क्या करना है कि कौन सा आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है या कौन सा आपका रॉन्ग नंबर जा रहा है. और आपके पास नीचे आंसर है, यूजुअल आपको पता है. चलिए पहला सीरीज आपको क्या बोला गया कि 1 से 8 हो रहा. आपने क्या देखा कि कुछ आपको कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लीकेशन का चांसेस है क्योंकि बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज हो रहा है. आप देख रहे होंगे एंड तक. तो आपने क्या देखा कि 1 से 8 अगर जाना है तो ये तो अगर देखें कि डायरेक्टली अगर 1 से 8 जाना है तो 8 के टर्म में आपको 8 मिलता है. ठीक है, 8 से 66 के टर्म पे चाहिए आपको. 8 से 66 क्या चीज के आसपास मिल रहा है? 8 8 64, राइट. मतलब 8 के टर्म के आसपास ये भी मिल रहा है. ठीक है, 66 से 460 पे जाइए, देखिए क्या हो रहा है. 66 से 460 अगर 8 के टर्म में आप इसको लेते हैं तो ये 8 6 48, ये तो ज्यादा हो जाएगा 460 से. 7 के टर्म में लेके देखिए तो 7 6 42, हाँ 7 के आसपास आ रहा है. तो कितना आखिर हो रहा है 7 के पास आ रहा है, तो देखिए चेक कीजिए 7 6 42 कैरी 4, 7 6 42 और ये 462 हो गया. मतलब आपका क्या हो रहा है, ये 2 कम है 462 से. मतलब आपने क्या देखा, ये 7 के टर्म में जा रहा है लेकिन ये 8 के टर्म में जा रहा था, ये 7 के टर्म में जा रहा है, राइट. मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि घट रहा है. अगर घट रहा है तो इसका क्या मतलब, यहां पर 8 नहीं होगा. अगर यहां हम लोग 9 ले लें टर्म और यहां 8 ले लें तो यहां पर आपका 7 का टर्म हो रहा है, राइट. अब देखिए अगर यहां 9 का टर्म आप लेते हैं तो आपका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 × 9 = 9 − 1 = 8 आपका मिल सकता है, राइट. अगर 8 से 66 आप जा रहे हैं तो क्या होगा, 8 × 8 के टर्म में 8 × 8 = 64 हो जाता है. और 64 माइनस 2 करने पर आपको क्या, सॉरी प्लस 2 करने पर आपको क्या मिलेगा, 66 मिल रहा है, राइट. मतलब क्या हुआ, एक बार आपका माइनस 1 हो गया, एक बार प्लस 2 हो गया और यह तो आपका डिक्रीज हो रहा है. तो 66 से अगर इस टर्म में हम सब जाए तो क्या मिल रहा है, इंटू 7 हम सब ने देखा क्या, 462 मिल रहा है. 462 और माइनस 2 करने पर आपको क्या आ रहा था, 460 आ रहा है. आपने क्या देखा कि यहां तो माइनस 1 था, यहां भी आपका प्लस 2 हुआ. मतलब क्या, ये एक एक इंक्रीज हो रहा है तो यहां तो क्या होना चाहिए, मे बी माइनस 3 होना चाहिए. मतलब अगर ये आपको टर्म गलत लग रहा है तो आप इस टर्म को चेक ना करके ये टर्म चेक कीजिए. आप कैसे, आपने क्या देखा कि 9 से 8 हो रहा था और 8 से 7 हुआ, तो मे बी ये टर्म आपका क्या 6 इंटू होना चाहिए और मे बी ये टर्म आपका क्या इंटू 5 होना चाहिए. चलिए इसको चेक कीजिए इंटू 5 से, 8 5 40 कैरी 4, 5 5 25 29, राइट. 29 कैरी 2, फिर 5 7 35, 37 कैरी 3, 5 2 10 13 हो गया. तो आपने क्या देखा, 13790 एग्जैक्टली आपका 13785 है. कितना कम है, माइनस 5. मतलब आपका जो ये टर्म आ रहा था ये माइनस 5 का कुछ आ रहा है टर्म. और क्या करने पर आया आपका, इंटू 5 करने पर आया, राइट. इंटू 5 करने पर आपका ये टर्म आया. तो आपने क्या देखा कि 9 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, तो मे बी यह क्या होगा टर्म इंटू 6 होगा और यह टर्म आपका इंटू 5 हुआ. लेकिन फिर आपने देखा कि ये माइनस 5 आ रहा है और यहां पर आपका क्या माइनस 1 से प्लस 2 हुआ और ये माइनस 5 आ रहा है. मतलब कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए कि 1 से 2 हो रहा है तो 2 से यहां पर 3 का टर्म होता, फिर 3 से आपका ये 4 का टर्म होता, 4 से ये क्या 5 का टर्म होगा, राइट. लेकिन आपने क्या देखा कि ये प्लस और माइनस हो रहा है. मतलब ये माइनस 1 हो रहा है तो ये प्लस 2 हुआ, फिर ये मे बी माइनस 3 होता और ये क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और यह आपका टर्म अगर माइनस 5 तो एग्जैक्टली आपका सीरीज बैठ रहा है. लेकिन यहां पर अगर माइनस 3 नहीं हुआ जिसके कारण यह गलती हो रही है, अगर हम सब ये माइनस 3 कर दें और टर्म को चेक करें तो फिर क्या होगा, क्या देखे आपने, 466 इंटू 7 तो आपका 462 मिला हुआ था, 462 और माइनस 3 कर दिया जाए तो आपका क्या टर्म मिलेगा, 459, राइट. 459 अब आपको यह चेक एक बार कर लेना है कि 2758 क्या आपको आ रहा है 6 के टर्म में,
आपने जब ये करके देखा तो क्या हो रहा है, ये कैरी 5, 5 6 जा 30, 35 कैरी 3, 6 4 जा 20 और ये 27, 2754 मिल रहा। और 2754 प्लस 4 करने पर आपको क्या टर्म मिलेगा, 2758 मिल रहा है आपको एग्जैक्टली। मतलब गलत ही आपका किस में था, 460 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1460 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सीरीज देखिए क्या आपके पास, 56 है टर्म, फिर 57 है, 48, 73, 24, 105, -10। कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है, सडन चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका डिफरेंस आप देखें तो आपके पास क्या निकला, 56 से 57 हो रहा है, मतलब क्या 1 का डिफरेंस हो रहा है। इस टर्म में आप देखिए कितना हो रहा है, 57 से 48 आ रहा है, इधर तो 7 का और उधर 2 का, 9 का डिफरेंस है आपका। और क्या हो रहा है, माइनस 9 हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा था आपका, प्लस 1 हो रहा था, राइट। 48 से 73 का टर्म गया तो कितना डिफरेंस हो रहा है, 13 और ये 8, कितना आपका हो जाएगा, 5 का, और ये क्या हो जाएगा आपका, 2 का, राइट। अगर ये आपका हुआ तो आपने क्या देखा, ये तो प्लस हो रहा है, मतलब अब इतना होने के बाद आपको तो पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यह क्या टर्म हो रहा है आपका, 5 का होल स्क्वायर। तो मे बी ये टर्म आपका क्या होगा, 7 का होल स्क्वायर, और यह टर्म आपका 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह टर्म आपका क्या हो जाएगा, 11 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। लेकिन प्लस माइनस हो रहा है, मतलब क्या आपने देखा, अगर यह प्लस हो रहा है तो यह माइनस होगा, और यह प्लस और यह माइनस, राइट। तो मतलब क्या, 49 यहां पर माइनस होना चाहिए, तो 13 माइनस 9 तो 4 आपका टर्म तो मिल रहा है। एंड में बस आप लास्ट डिजिट चेक करते हुए चलिए, यहां पर 24 था तो 9 9 जा 81 प्लस 81 तो 4 और 1 इज इक्वल टू 5, तो आपका टर्म मिल रहा है लास्ट। अगर नहीं कुछ होगा तो फिर आप जाइएगा, लेकिन अगर इसमें कुछ पकड़ा रहा है आपको तो फिर डेफिनेटली आप उसको चेक करते हुए चलिए। यहाँ पर क्या 11 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 121 मतलब 105 में 105 माइनस होगा। क्या होगा जब 121 आपने देखा और यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, तो आपको क्या पता चला 11 माइनस 5 इक्वल टू, तो 6 का टर्म बन रहा है, आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है। मतलब इसको पूरा चेक कर लीजिए, क्या आपका आ रहा था 105, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये तो 1 आपका, तो आपको क्या मिला, माइनस 16 का टर्म मिला, और आपको कितना आया हुआ है, माइनस 10 का। मतलब गलती आपका इसमें ही है, तो आपका माइनस 16 का, हाँ माइनस 10 आपका आंसर हो जाएगा, माइनस 10 ये आंसर हो जाएगा, राइट। मतलब आपका ये स्लाइड का, सॉरी ये जो आपका सीरीज था उसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या है, 2 2 13 है, फिर 59, 363। देख के ही आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का चांसेस है, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन के चांसेस आपकी बनती है तो आप ये देखिए कि 2 से 2 हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि 2 से 2 हो रहा है, कुछ नहीं ज्यादा बड़ा, प्लस 0 का है। 2 से 13 हो गया, ठीक है, कितना का डिफरेंस हो गया आपका, लगभग 11 का डिफरेंस हो गया। यहां पर आपने क्या देखा, 0 का डिफरेंस था। 13 से 59 हो गया, कितना का डिफरेंस हो गया आपका, 13 से 59, मतलब आपका 936 और ये 46 का डिफरेंस हो गया। मतलब 0 11 46 सडन इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ, क्या आप ले सकते हैं कुछ 0 11 46 में, तो कुछ कॉम्बिनेशन भी नहीं दिख रहा होगा आपको। चलिए अब ऐसा हो सकता है कि ये इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन तो बन सकता है बिल्कुल। अगर हम सब देखें 2 इंटू 1 तो 2 होता है, तो नेक्स्ट टर्म में भी क्या हो, 2 इंटू 2 या 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 2 तो आपका 4 हो रहा है, और 4 से भी 13 काफी ज्यादा है। अगर 4 3 का टर्म में लिया जाए तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 का टर्म बनेगा, तो नेक्स्ट वाला आपका क्या टर्म बनेगा, 2 13 इंटू, अगर यहां पर आपने 3 लिया तो 13 इंटू 5 65 ऐसा कुछ टर्म बनेगा मे बी। लेकिन इस टर्म में आपने क्या देखा कि बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस हो रहा है, तो थोड़ा और नजदीक में चलते हैं। अगर 2 इंटू 2 का टर्म लिया जाए तो फिर से वापस 2 लाने के लिए क्या करना होगा आपको, माइनस 2 करना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस टर्म में फिर क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो सकता है मे बी। अगर यह इंटू 3 हो जाए तो 6 होगा, और 6 से 13 जाना है आपको, ठीक है, तो प्लस 7 आपको करना होगा।
राइट, यहां पर आपने देखा माइनस, यहां पर आपने क्या देखा प्लस 7। अगर ये चीज में 13 इंटू 4 आप कर दें तो क्या होगा, 13 4 जा 52, और फिर आपका क्या करना होगा, ये प्लस 7, मतलब ये क्या हो गया माइनस 2 और ये प्लस 7, फिर से प्लस 7, ये तो कुछ ऐसा बैठा नहीं, लेकिन ये 2 3 4 ये तो चल रहा है, ठीक है राइट। मतलब ये चीजें भी आपकी नहीं हो रही है। आप एक काम कीजिए कि नेक्स्ट टर्म आप एक बार और ट्राई करके देखिए कि 3 से अगर लेके चलिए, अगर इंटू 3 किया जाए तो क्या होगा 6 होता है, और फिर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 करने पर आपका 2 हो रहा है। मतलब अगर क्या किया जाए माइनस 4 किया जाए तो आपका 2 का टर्म मिल रहा है। फिर ये टर्म है आपका क्या होगा कि 3 से अगर 4 इंक्रीज हो रहा होगा इंटू 4 तो आपका क्या हो जाएगा 4 टू 8, और 8 प्लस आपको 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 35, ये 13 मिल जाएगा राइट। अगर इससे हम लोग इस टर्म में जाएं तो ये अगर इंटू 4 हो रहा था तो ये टर्म इंटू 5 होगा, और 13 5 जो 65 होता है, ठीक है 65 से आपको 59 आना है, मतलब क्या माइनस 6। आपने क्या देखा 3 से 4 इंक्रीज हुआ, 4 से 5 इंक्रीज हुआ, और यह क्या हुआ 4 है 5 है 6 है, लेकिन माइनस 4 माइनस और प्लस 5 और माइनस 6 हो रहा है राइट। मतलब ये चीज आपका, ये जो सीरीज है ये कुछ अच्छा से बन रहा है, तो नेक्स्ट टर्म आपका भी ऐसा कुछ होना चाहिए, चेक करके देखिए, इंटू 6 होना चाहिए, और क्या होगा 6 से ये 7 हो जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और आपको 59 इंटू 6 करके अगर आप देखें 9 6 जा 54 कैरी 5, और फिर 5 6 जा 30, और ये 35 354 हो रहा है, 354 से आपको प्लस 7 करने पर कितना मिल रहा है 361 मिल रहा है, लेकिन आपको है कितना 363 है। चलिए मतलब क्या, अगर आपका राइट आंसर 361 होगा तो ये इंटू 7 आप करके देखिए तो आप 7 हो जाएगा, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 25 25 27, और ये अगर 7 था तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो भी माइनस 8 हो जाएगा, तो 17 माइनस 17 में 8 के बचा 9, आपका मिल रहा है ये वाला चर 2519 का। मतलब क्या आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए फिर 361 होना चाहिए, 363 को छोड़कर 361 आपका राइट आंसर होगा, और क्या आपको आंसर है 363, ये वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका रॉन्ग सीरीज क्या था 363 का राइट। दूसरा आपका देखिए क्या दिया गया है, 36 40 89 283 1157 5820। इसको जब आप देख ही रहे होंगे सीरीज तो आपको पकड़ में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ ऐसा है कि 36 का डबल एप्रोक्स आपको कुछ मिल रहा है यहाँ, और फिर 40 का डबल एप्रोक्स कुछ यहाँ मिल रहा है, और फिर 89 का डबल एप्रोक्स कुछ यहाँ मिल रहा है राइट। मतलब क्या कि अगर 36 से आप 40 में जाते हैं तो क्या आपको मिल रहा है इंटू अगर 1 किया जाए और माइनस अगर प्लस 4 कर दिया जाए तो आपको क्या 40 का टर्म मिल रहा है। ये आपको दो गुना मिला, ये तीन गुना, गलती कर दिया मैंने बोलने में, 18 3 जा 24 ठीक है ये अप्रोक्स उसके आसपास मिल रहा है, 4 2 जा 8 ऐसा कुछ मिल रहा है, यह 1 का था टर्म राइट। मतलब क्या आपका ये अगर 40 इंटू 2 करते हैं तो हम लोगों को 80 मिलता, और 80 प्लस 9 मिल रहा है हम लोगों को, और इस चीज में आप जाइए तो 8 इंटू 3, अगर 8 इंटू 3 आप करते हैं तो कितना हो जाएगा 27, 26 राइट, 24 प्लस 2 26, 267 से आपको 83 जाना है तो कितना ज्यादा हो रहा है, ये आपको प्लस अगर कर दिया जाए कितना को 267 आपको माइनस, ठीक है 16, हाँ 16 आप लोगों को मिल रहा है। मतलब क्या आपको पता चल रहा है, देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 3 हो रहा है, और यह चीज देखिए 4 से 9 हो रहा है, और 9 से 16 हुआ, मतलब क्या हो गया ये 2 का होल स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, यह 4 का होल स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या 5 का होल स्क्वायर होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा 6 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, और यह टर्म ऐसा इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 जा रहा है, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा इंटू 4, और 4 इंटू 3 करके देखिए लास्ट डिजिट बस आपको चेक करना है, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, तो 5 और 2 7, एंड में आपका आ रहा है एंड डिजिट आपका 7 राइट। ये चीजें सही लग रही है, अगर ना आपको इससे बनेगा तो आप जाइएगा,
पहले यूनिट डिजिट आपको चेक करना है। अगर आपने इसको किया इंटू फोर यहाँ था तो यहाँ इंटू फाइव होगा, तो 7 5 35 एंड में आपका 5 आ रहा है और ये 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो 5 और 6 मिलकर तो आपको 1 आना चाहिए, मतलब आपका क्या यहाँ पर 1 नहीं है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या आपको करना था 1157 इंटू कितना करना था आपको 5 करना था, 7 5 35 5 5 25 28 7 और ये 5785 और फिर आपको कितना करना था 36 राइट। तो 6 5 11 8 और 3 11 12 और आपको क्या मिल रहा था ये 7 1 8 5 5 8 2 1 आपको आ रहा था, लेकिन आपका कितना है 5 8 2 0, तो आपका रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा 5 8 2 0, आपका आंसर राइट क्या होगा 5 8 2 1, तो आपका रॉन्ग सीरीज ये बन गया राइट। तो फिर अब हम सब चलते हैं जो आपका नेक्स्ट सीरीज है। चलिए देखिए नेक्स्ट सीरीज आपका क्या है 2 6 13 26 54 100 and 197। जब आपने देखा 2 से 6 और फिर 6 से 13 देखा आपने, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि 6 से 13 मतलब दो गुना है, 13 से 26 भी दो गुना है, 26 से ये भी आपका दो गुना के आसपास है और ये भी दो गुना के आसपास है, मतलब हर हमेशा आपको क्या लग रहा है कि लगभग आपका अप्रोक्स दो गुना के आसपास सब कोई दिख रहा है ठीक है। तो आप क्या देखिए कि आपका इसमें एडिशन अगर आप देखें कितना का इसमें इंक्रीज हुआ है, 4 का इंक्रीज हुआ, इस चीज में आपका क्या हो रहा है लगभग 7 का, मतलब हर हमेशा आपका 2 के अप्रोक्स है ठीक है, हर हमेशा दो गुना के अप्रोक्स है। अगर ये टर्म आप देखें तो आप ये चीज देखिए कि 6 से 13 आने के लिए क्या करना होगा, आपको 6 इंटू 2 करते हैं तो आपका क्या 12 मिल रहा है, प्लस 1 करने पर 13 मिला ठीक है। अगर ये चीज देखें 13 इंटू 26 मतलब इंटू 2 किए प्लस 0 अगर हुआ तो ये आपका क्या 26 मिल रहा है। उसी तरह से आप अगर यहां देखें तो इंटू 2 तो हो रहा है हर एक में, मतलब यहां भी इंटू 2 अगर हुआ तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है और 4 प्लस 2 करने पर आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, मतलब आपका ये टर्म तो सेम हो रहा है लेकिन ये टर्म आपने क्या देखा 2 से 1 हुआ और 1 से फिर 0 हो गया, तो मे बी आपका ये टर्म क्या हो जाए माइनस 1 हो जाए और ये टर्म आपका माइनस 2 हो जाए, ऐसा कुछ होगा। चलिए चेक किया जाए 26 इंटू 2 आपका क्या हो जाता है 6 2 12 2 2 4 8 5 52 होता है, आपको 52 माइनस 1 आपका 51 आना चाहिए लेकिन आ कितना रहा आपका 54 है, मतलब 54 आपका राइट टर्म है या 51 राइट टर्म है, एक बार आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म होगा इंटू 2 तो 51 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा था 102 और 102 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 100 आ रहा है, जो कि है मतलब आपका रॉन्ग टर्म इसमें क्या निकल के आ गया कि 54 होगा राइट, मतलब आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 54 और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 51 करेक्ट। नेक्स्ट टर्म आपका देखिए क्या है 3 है 7.5 है फिर 15 है 37.5 है 75 है 167.5 है और फिर आपका क्या 375 है। जब आपने इस टर्म को देखा तो आपने क्या देखा कि 3 से 7.5 हो रहा है ठीक है और 7.5 से जो 15 हुआ ये तो एकदम आपका क्या मल्टीप्लाइड बाय 2 है, मतलब जैसा हम लोगों ने यहां बनाया ठीक वैसा ही ये दिख रहा है, मतलब क्या ये दो गुना बढ़ा हुआ है। अगर 15 से 17 37.5 अब जाते हैं तो ये देखिए 15 2 जा तो 30 मतलब दो गुना से कुछ ज्यादा है और जब आप 3 से 7.5 देख रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या लग रहा है 3 2 जा 6 दो गुना से कुछ ज्यादा है। अगर 37.5 देखें 37.5 अगर आप देखते हैं तो कितना हो रहा है ये भी आपका क्या हो रहा है 37 इंटू 2 74 होता है 0.5 मिलकर आपका क्या 75 ये भी आपका मल्टीप्लाइड बाई 2 का टर्न बन रहा है, लेकिन आपने क्या देखा कुछ ऑल्टरनेट ऐसा बन रहा है यहाँ पर 2.2 से कुछ ज्यादा हो रहा है यहाँ पर भी 2 से कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या 3 से 7.5 का टर्म कुछ होगा और यह टर्म आपको तो डायरेक्टली इंटू 2 मिल रहा है राइट और ये भी टर्म आपको डायरेक्टली इंटू 2 मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि 3 2 जा 6 और आपको यूनिट डिजिट 5 है तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जिससे कि यूनिट डिजिट आपका 5 बना हुआ रहे, तो अगर 2.5 करके देखते हैं तो 25 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 75 और 0.1 आपका 0.1 लग जाएगा, तो मतलब आपका क्या हो गया इंटू अगर 2.5 कर दिए हम लोग तो आपका टर्म 7.5 मिल रहा है। क्या ये टर्म यहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा है ये आपको चेक करना है 15 इंटू 25 राइट,
अगर आपको क्या करना है 15 इंटू 25 तो क्या कीजिएगा आप, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 होता है 300, और 5 इंटू 5 15 5 जा 75, मतलब 375 का आपका टर्म बना, और एक पॉइंट आपको अगर लगा देते हैं तो 37.5 आपका यही सेम टर्म आ रहा है इंटू 20 2.5 करने पर, मतलब आपका कुछ ऑल्टरनेट बन रहा है 2.5 हो रहा है फिर 2 हो रहा है फिर 2.5 हो रहा है फिर 2 हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होना चाहिए 2.5 होना चाहिए। अब 75 इंटू 2.5 आपको चेक करके देखना होगा इंटू 2.5, आप ये देखिए कि 20 कर देते हैं 75 टू सा 150 होता है, ठीक है राइट, ये 1500 हो जाएगा, और 75 इंटू 5 अगर आप कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका क्या मिल जाएगा 75 इंटू 5 तो 300, और ये 375 आपका मिल गया, तो आपका क्या बन जा रहा है 538 एक 187 आपका एक पॉइंट है 187.5, और आपको आना आया कितना, मतलब दिया कितना गया है 167.5, मतलब आपका क्या होगा राइट आंसर 187.5 आना चाहिए, और ये तो गलत है आपका, मतलब आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो आपका 167.5 था ये आपका क्या गलत हो जाना है, आपका राइट आंसर ये हो गया, और जो इसका आंसर आना चाहिए था 187.5 आना चाहिए था, करेक्ट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए हमारा जो आज का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो सीरीज है उस पर देखते हैं, मूव करते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट सीरीज है वो कुछ ऐसा है, 0 है फिर 1 है 9 है फिर आपका क्या है 36 है 99 है 225 है और 441 है। अब आपको क्या करना है कि इसमें रॉन्ग सीरीज जो आपका रॉन्ग नंबर हो रहा है उसको चूज करना है। जब आप ये सीरीज देखे होंगे तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ये तो किसी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, isn't it? मतलब अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो खुद का अपना होल स्क्वायर है, वन अपना खुद का होल स्क्वायर होगा, अगर नाइन की बात की जाए तो ये थ्री का होल स्क्वायर होना चाहिए, और ये सिक्स का होल स्क्वायर है, आपको ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये क्या आपने देखा कि 15 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका 21 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, मतलब क्या है और यह जीरो है। फिर आपने टर्म क्या देखा कि जीरो से तो वन हुआ, वन से थ्री हुआ है, isn't it? मतलब क्या यहां पे प्लस वन हुआ, और यहां पर फिर आपने देखा कि प्लस टू हो गया, और फिर यहां पर आपने क्या देखा कि थ्री और थ्री सिक्स हो गया, प्लस थ्री हो रहा है, फिर ये क्या आपका हो गया, मतलब क्या होगा यहां पर प्लस फोर होना चाहिए, तो ये सिक्स और टेन का स्क्वायर होना चाहिए, और टेन का स्क्वायर तो आपका क्या होगा हंड्रेड होना चाहिए, मतलब 99 ये गलत हो रहा है, अच्छा 100 होना चाहिए, तो ये नेक्स्ट टर्म आप चेक कर लीजिए कि 5 प्लस होना चाहिए, और 5 का प्लस होने के बाद 15 हो रहा है, 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 225 हो रहा है, मतलब 10 का होल स्क्वायर ही यहां पर होना चाहिए, और आपका 99 का जो टर्म है ये गलत होना चाहिए, मतलब क्या आपका आंसर हो जाएगा 99, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है 2, 3, 5, 8, 14, 23, 41, 69, क्लियर है आपको, इसमें आप रॉन्ग सा आपका कौन सा रॉन्ग नंबर जा रहा है ये आपको चूज करना है, क्लियर है। आपने जब ये डिफरेंस देखा तो क्या आपका लग रहा है वन है, ये आपने देखा तो टू है, ये आपने देखा तो थ्री दिख रहा था, और ये आपने देखा तो क्या दिखा आपका 8, 8, 16, मतलब सिक्स, और फिर इसको जब आपने देखा ठीक है तो आपका ये क्या 14, 14, 28, इधर आपका सिक्स हो गया, और नाइन का आपने देखा जब इसका डिफरेंस तो यह प्लस वन हो रहा है, यह भी प्लस वन हो रहा है, लेकिन यह तो प्लस थ्री हो गया, और यह भी आपका प्लस थ्री हो गया, isn't it? तो क्या आपका नेक्स्ट टर्म ऐसा होगा कि ये प्लस वन हो रहा है तो प्लस वन, ये थ्री हो रहा है तो ये नेक्स्ट टर्म प्लस फाइव होगा, तो नाइन प्लस फाइव 14 होता है, और 23, और अगर इसको देखे भी आप तो आपका 41 नहीं आ रहा है, मतलब ये तो आपका लॉजिक जा नहीं रहा है, क्लियर है ये लॉजिक नहीं जा रहा है। अगर आप सब इसको छोड़ अगर ऐसा कुछ देखें ऑल्टरनेट में, मुझे जैसे दिख रहा है कि 2 से आपका 5 का टर्म गया है, और फिर 5 से 14 का टर्म अगर आप जाते हैं, और 14 से अगर आप 41 का टर्म अगर जाते हैं, तो आपको कुछ लॉजिक दिख रहा होगा क्या कि 2 इंटू 3 अगर देखें तो 6 होता है, और माइनस 1 कर दिया जाए तो आपका 5 का टर्म हो रहा है, और 5 इंटू 3 अगर कर दिया जाए Isn't it? और माइनस वन कर दिया जाए तो 14 का टर्म मिल रहा है, फिर 14 थ्री से आपका 42 होता है, और अगर माइनस वन कर दिया जाए तो 41 का टर्म मिल रहा है, राइट?
मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो वैसा ही होगा, तो ये आपका टर्म सही हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग थ्री और फाइव में जाते हैं, सॉरी थ्री फाइव नहीं, थ्री और एट में हम लोग जाते हैं, तो आपका क्या मिल रहा है, थ्री इंटू टू, सॉरी थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन, माइनस वन का टर्म आपका एट मिल रहा है, क्लियर है। एट से अगर आप 23 में जाते हैं, एट इंटू थ्री इज इक्वल टू 24, माइनस वन आपका क्या टर्म मिल रहा है, 23 मिल रहा है। लेकिन 23 से जब आप जाते हैं 69, मतलब 23 इंटू थ्री का टर्म आपका क्या होगा, 69 होगा, और 69 माइनस वन होना चाहिए, तो 68 आपका ये सही होना चाहिए, लेकिन आपको 68 तो दिया नहीं है, आपका क्या 69 है, मतलब क्या 69 आपका रॉन्ग आंसर होगा, और सही आंसर क्या होगा आपका 68 होगा। चलिए नेक्स्ट सीरीज मूव करते हैं। अच्छा आज आपके लिए कुछ होमवर्क है, क्या है आपका सीरीज 32 का है, 144, 576, 2015, 6048 और 15120, राइट। और आपको इसमें कौन सा आपका रॉन्ग जा रहा है नंबर, ये आपको चूज करना है, क्लियर है। तो आप इसमें से जो भी रॉन्ग नंबर जा रहा होगा उसको चूज करके, एंड आई वॉन्ट The answer from each and every my aspirants. If you are serious about your study, तो मुझे ये देखना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आप सब ने मुझे ये आंसर दिया है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। As मैंने रिस्पॉन्स देखा इससे पहले वाले वीडियोज में, बहुतों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन मुझे ये सडन इंक्रीज चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो मुझे सबका आंसर मिलेगा ये मैं होप करता हूं। और फिर हम सब कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, और जहां से भी आपको जो भी नंबर सीरीज मिलता है, एटलीस्ट आप भी एक दिन में कोशिश करें कि 10 एटलीस्ट बनाने का कोशिश करना ही है आपको। उसके साथ आपको सिंप्लीफिकेशन, पजल, ये सारे कुछ करना होगा, तो जो आपका मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। इफ यू विल प्रैक्टिस मोर देन यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर, ये आपका फंडा होना चाहिए। तो चलिए हम सब फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।